हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवेंचर SDH। तो इस वीडियो में मैं इंटरसेप्टर में छोटा छोटा तीन चीज़ लगाने वाला हूं। वीडियो को एंड तक देखते रहिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो पहले वाला चीज़ ये है कि देखिए, रियर फुट एक्सटेंडर, ये आपका रियर फुट रेस्ट एक्सटेंडर है और कंपनी का नाम है ऑटो इन्फिनिटी, जो मैं अमेजन से ऑर्डर किया हूँ। दो आता है, एक लेफ्ट में एक राइट में। इसका प्राइस मेरे को पड़ा 999 रुपीस, दोनों का, दो पेयर का 999। और इसका बिल्ड क्वालिटी भी मतलब बहुत अच्छा है, बहुत मजबूत है, क्वालिटी बहुत बढ़िया है। तो लगाने के बाद ही पता चलेगा कैसा काम करता है, मतलब कंपर्टनेस है या नहीं। क्वालिटी तो इसका अच्छा है, ठीक है। दूसरा वाला ये है फ्रंट डिस्क कैलिपर गार्ड, जो फ्रंट डिस्क ब्रेक रहता है उसका जो कैलिपर रहता है उसका गार्ड है, ये गार्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए कैलिपर। ये भी ऑटो इन्फिनिटी है, कंपनी का नाम ऑटो इन्फिनिटी। इसका प्राइस है 499 रुपीस पर पीस का, एक ही पीस आता है फ्रंट के लिए। रियर का तो अभी तक मेरे को मिला नहीं, लेकिन रियर का भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और तीसरा वाला NGK इरिडियम स्पार्क प्लग, ये मैंने LRR मोटर से ख़रीदा है। इसका दोनों का प्राइस आया मेरे को 1620 रुपया पेयर का, मतलब एक सेट में दो पीस आता है, क्योंकि इंटरसेप्टर में ट्विन स्पार्क प्लग है। तो मैं कब से सोच रहा था कि इरिडियम का मैं लगाऊंगा, लेकिन मेरे को मिल नहीं रहा था। जब टूर पे गया था, सिक्किम टूर पे, तब ये स्टॉक में नहीं, अवेलेबल नहीं था, अभी अवेलेबल है। ये स्पार्क, इसका मॉडल नंबर है CR7EIX, इसको ज़रूर याद रखिएगा। इंटरसेप्टर में जो पार्ट नंबर है NGK का, इरिडियम का, इसका नंबर है CR7EIX 0.8 mm, 0.8 mm इसका प्लग का जो गैप रहता है, 0.8 mm रहता है। इसका MRP है 830 रुपया पर पीस। तो दोनों का मेरे को पड़ा 1620 रुपया, LRL मोटर से मैं ख़रीदा हूँ। और एक की चेन और एक 66 BHP का एक स्टिकर भी मिला है, जो कि मैं बाइक में स्टिकर लगा चुका हूँ, और एक की चेन भी मिला है। नॉर्मल प्लग और इरिडियम देखने में कोई फ़र्क नहीं, NGK MVP लिखा है, देखिए CR7EIX लिखा है, इरिडियम करके भी लिखा है, इरिडियम NGK, यहाँ पर वो लगता है इरिडियम। तो इरिडियम का बेनिफिट ये है कि ये इजीली कार्बन नहीं बनता है, बहुत देर तक चलता है, बहुत टाइम के बाद ही ये ख़राब होता है, और इसका परफॉर्मेंस भी अच्छा मैंने सुना है। तो लगाने के बाद ही पता चलेगा कि किस तरह से काम करता है। तो वीडियो को देखते रहिए कि तीनों को फिट करने के बाद कैसा परफॉर्मेंस आता है, कैसा दिखता है, वो भी वीडियो में आपको दिखा दूँगा। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। तो जैसे कि मैं अभी आपको बताया कि तीन चीज़ मैं अपने बाइक में लगाने वाला हूँ, तो तीनों में से एक मेरे बाइक में सही तरीके से फिट नहीं हो पाया, वो है आपका रियर फुट एक्सटेंडर। रियर फुट एक्सटेंडर इसलिए फिट नहीं हो पाया क्योंकि मेरा जो एग्जस्ट है, आफ्टर मार्केट का एग्जस्ट मैंने लगाया है, वो है मोटोविंग परफॉर्मेंस, और जो स्टॉक का जो एग्जस्ट था और मोटोविंग का जो एग्जस्ट है, दोनों का सेप बिल्कुल अलग है। तो रियर फुट एक्सटेंडर मोटोविंग के साइलेंसर के जो एग्जस्ट से पूरा मतलब सेट लेके वो फिक्स हो रहा था, जो मेरे को सही नहीं लगा, तो मैं उसको फिट नहीं किया, उसको रिटर्न कर दिया। दूसरा है आपका फ्रंट डिस्क ब्रेक कैलिपर, वो सही तरीके से सेट हो चुका है, दिखने में भी बहुत अच्छा है, वीडियो के एंड में मैं आपको इमेज डाल दूंगा। और तीसरा वाला है आपका NGK इरिडियम स्पार्क प्लग, वो भी सही तरीके से फिट हो चुका है, जो कि वो इंजन के अंदर रहता है, उसके ऊपर प्लग कैप रहता है, तो मैं वीडियो भी नहीं बना पाया, तो इमेज भी नहीं आपको दिखा पा रहा हूँ।
और एनजीके का चलाने के बाद 3-4 दिन मैंने चलाया फिट करने के बाद तो माइलेज में थोड़ा इम्प्रूवमेंट मेरे को लगता है, लेकिन ज़्यादा बड़ा कुछ इम्प्रूवमेंट मेरे को अभी तक नहीं मिला। अभी देखना है कि कितना दूर तक वो मतलब काम करता है, कितना दिन तक वो कार्बन नहीं बनता है, कितना दिन तक उसको चेंज नहीं करना पड़ेगा, उसको मेरे को जज करना पड़ेगा। तो ये तीनों चीज़ अभी तीनों में से 2 फिट हो चुका है। और इंजन के अंदर तो एनजीके तो इंजन के अंदर रहता है, तो उसका फोटो भी दिखाने से आपको कुछ मतलब सही तरीके से पता नहीं चलेगा। परफॉर्मेंस में ज़्यादा नहीं है, माइलेज में शायद इम्प्रूवमेंट कुछ हुआ है मेरे को लगता है। तो वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिएगा।